तो दोस्तों इस जगह का नाम है एलिफेंट आइलैंड। दोस्तों यहाँ पे मैं घूमने आया था और पुरे एक वीडियो भी शूट कर लिया। दोस्तों इस जगह पे जाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा आप कहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जगह मुंबई में है जो कि नेवी मुंबई में पड़ता है। ये जगह बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है इसलिए इसका नाम आइलैंड है। दोस्तों इस जगह पे जाने के लिए आपको मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे जाना है। दोस्तों वहाँ पे बोट का टिकट मिलेगा, बोट का टिकट लेके जो टिकट लगभग 200 रुपये में आएगा वो टिकट लेके आपको बोट में जाना है। बोट आपको लगभग 1 घंटे तक पानी में तैर के ले जाएगा, तो उसके बाद आपको एलिफेंट आइलैंड पे छोड़ देगा। आप जब भी वहाँ पे घुसेंगे तो एक आपको टॉय ट्रेन देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही सही है, लेकिन उस पर भी चढ़ेंगे तो आप लगभग 10 रुपये चार्जेस है उसका भी। फिर दोस्तों आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको दोस्तों बहुत ऊंचा उठना है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर तक उठना है। वहाँ पे जब भी जाएंगे दोस्तों पहाड़ के ऊपर बहुत सारे गुफाएं हैं, तो वहाँ पे भी जाने के लिए आपको लगभग 40 रुपये का एक टिकट खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही एंटरटेनमेंट के लिए देता है। तो आप जब जाएंगे तो ये जो जगह देख रहे हैं ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पे लगभग बहुत दूर एरिया लेके ऐसे देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारा फॉरेनर भी देखने को मिलेगा। थोड़ा इधर जाना, तो इधर देखिए, ये थोड़ा देखने जाएगा। मेरा दोस्त लोग है, इसका नाम मुकेश है। तो दोस्तों घूमने के लिए मेरा दोस्त लोग की प्लान बनाया था, इसलिए मैं आगे इन लोगों के साथ ही, ये लोग पूरा प्लानिंग किए थे कि आप एलिफेंट आइलैंड जाएंगे, घूमेंगे, पूरा देखेंगे क्या है नहीं है पानी के बीचों बीच जो है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पे देखने लायक कुछ है ही नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पहाड़ के ऊपर से नज़ारा बहुत मस्त दिखता है। और जो गुफा के अंदर है बहुत सारा मूर्तियाँ है जो पहले ज़माने में बनाया गया था, तो दोस्तों आप लोग आके देख सकते हैं। आइलैंड के अंदर बहुत सारा दुकानें हैं, बहुत सारा आपको बहुत सारा बंदर भी देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही मज़ेदार है। और तो दोस्तों 2 से 3 घंटा घूमने के बाद फिर हम लोग वापस आने के लिए निकले। तो दोस्तों वही बोट जो बोट आपको एलिफेंट आइलैंड लेके आया है वही बोट आपको वापस वहाँ तक ड्रॉप कर देगा, तो इसके लिए आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों हम लोग वहाँ पे जाके फिर प्लानिंग बनाए कि हम देवचंद के घर देखेंगे। एक ऑटो वाले से जाके पूछा तो वो लोग कुछ ज्यादा चार्जेस बताए, लेकिन सबसे मजेदार बात ये था कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो अमिताभ बच्चन का घर है, वो तो किसी और का घर दिखा के बोल देगा ये देखो भाई ये तो अमिताभ बच्चन का घर है। लेकिन उसी रास्ते में फिर हम लोग ट्रेन से गए, ट्रेन से तो दोस्तों जुहू बीच जाने के लिए ट्रेन से सांता क्रूज तक जाना पड़ता है, वहाँ से फिर ऑटो मिलेगा आपको। तो दोस्तों उसी रास्ते में एक अमेजिंग बात यह है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो मूवी है उसका शूटिंग हो रहा था और अमिताभ बच्चन जी का घर भी वहीं पर थे। तो दोस्तों इतना भीड़ था, आप देखेंगे तो खूब अजूब हो जाएंगे। तो वो वीडियो भी मैं शूट किया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं छोड़ने वाला हूँ, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल